गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.3, क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड पार्ट। ओके, एक्स टू पावर ए इंटू वाई टू पावर बी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई टू पावर ए प्लस बी। अभी यहां देखो, आपके पास दो फलन एक्स की पावर ए इंटू वाई की पावर बी है, और यहाँ एक्स माइनस वाई की पावर कितनी है, ए प्लस बी। तो दो फलन मल्टीप्लाई में हो गए, और इसके ऊपर क्या है, पावर है। ओके, तो इसका हम दोनों पक्षों का हम क्या लेंगे, इसका कोई लोग लेंगे, क्योंकि यहाँ दो फलन मल्टीप्लाई में और इनके आपके पास पावर है, तो इनका हम लोग लेंगे। तो लोग लेंगे, तो लोग लेंगे हम, तो दोनों पक्षों का लोग लेंगे हम। तो हम नीचे लिखेंगे दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर। ओके, दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर, तो इसका लॉग लिया कितना है आपके पास, लॉग एक्स की पावर ए इंटू वाई की पावर बी इक्वल लॉग एक्स माइनस वाई की पावर ए प्लस बी इंप्लाइज। आपके पास एक प्रॉपर्टी है लॉग एम इंटू एन, तो लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस ए लॉग एन, तो इसको हम क्या लिखेंगे, लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम की पावर एन, क्या लिखू मैं, एन लॉग एम, समझ गए, लॉग एम इंटू एन लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम की पावर एन एन लॉग एम, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, यानी लॉग की फॉर्मूला है, हमने लॉग की फॉर्मूला यूज किया। अगला वापस हम फॉर्मूला, इसमें हम कौन सा यूज करेंगे, लॉग एम की पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम यानी ए इंटू लॉग एक्स प्लस बी इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू लॉग एक्स माइनस वाई। ओके, अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे हम, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करो इसका, तो देखो जो ए है, ए क्या है, अचर, अचर संख्या तो कहां रहेगी, बाहर, अवकलन किसका होगा, लॉग एक्स का, प्लस बी अचर है, बी कहां रहेगा, बाहर, अवकलन किसका होगा, लॉग वाई का इक्वल टू ए माइनस बी क्या है, अचर संख्या, अवकलन किसका होगा, लोग का, अभी यहां देखो लोग एक्स का एक बार अवकलन होगा, लोग वाई का एक बार, तो लोग का फिर वाई का, ठीक है, इसका अवकलन हम कितनी बार करेंगे, दो बार, पहले तो हम किसका अवकलन करेंगे, लोग का अवकलन, फिर हम किसका करेंगे, एक्स माइनस वाई का, तो डी वाई डी एक्स ऑफ लोग एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई, पहले लोग का अवकलन करेंगे फिर एक्स माइनस वाई का अवकलन करेंगे। ओके, इंप्लाई के लोग एक्स का अवकलन कितना होता है, वन अपॉन एक्स, और एक्स का अवकलन एक एक्स के सापेक्ष, प्लस बी लोग वाई का अवकलन वन अपॉन वाई, फिर इंटू वाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, समझ गए ना, पहले तो हम अवकलन करेंगे लोग का अवकलन होता है वन अपॉन वाई, फिर इंटू वाई का अवकलन होता है एक्स के सापेक्ष, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी क्या है, अचर संख्या, इसको तो हम बाहर छोड़ देंगे, लोग एक्स माइनस वाई का अवकलन क्या होगा, लोग क्या की जो वैल्यू उसको क्या मान लो एक्स, तो लोग एक्स का अवकलन कितना होता है, वन अपॉन एक्स, इसका मतलब एक्स माइनस वाई इंटू, अब x माइनस वाई का अवकलन करो,
एक्स का अवकलन कितना होता है, एक्स के सापेक्ष एक होता है माइनस वाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष कितना होता है डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। ओके अब इसको सरल कर लो, इंप्लाइज ए अपॉन एक्स प्लस बी वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस वाई को एक से मल्टीप्लाई किया फिर डी वाई अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू हमें किसकी निकाल ली है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू लेफ्ट साइड में लेकर आओ बाकी टर्म कहाँ डाल दो राइट साइड में डाल दो, तो देखो ए अपॉन एक्स नहीं बी अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स है तो ये तो लेफ्ट साइड में बी अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स ये जो वैल्यू है इसको लेफ्ट साइड में लेकर आया तो ये माइनस की इधर आएगी तो प्लस की ए माइनस बी एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू इधर ये क्या आपके पास ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस वाई सेम टू सेम ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस वाई सेम टू सेम, उसके बाद ये देखो ए अपॉन एक्स किसका है प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो माइनस ए अपॉन एक्स। अब इसके अंदर हम क्या कॉमन ले रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया, अंदर हमारे पास क्या बचा बी अपॉन वाई प्लस ए माइनस बी इन अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस ए अपॉन एक्स। अब इधर एलसीएम क्या है इधर एलसीएम क्या है दोनों पक्षों का हम क्या लेंगे बेटा एलसीएम लेंगे। ओके तो डी वाई बाई डी एक्स इसका एलसीएम कितना आया वाई इंटू एक्स माइनस वाई, वाई का वाई में भाग दिया तो वाई और एक्स माइनस वाई किससे मल्टीप्लाई करना है बी से तो बी इंटू एक्स माइनस वाई प्लस इसको इससे भाग दिया तो एक y को किससे गुणा करना हमें a माइनस बी से इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस वाई इसका इसमें भाग दिया तो x x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी फिर माइनस a इंटू एक्स माइनस ए, सरल कर लो इसको तो dy वाई अपॉन डी एक्स बी को अंदर मल्टीप्लाई किया तो bx एक्स माइनस का बी वाई प्लस ए वाई माइनस का बी वाई अपॉन में वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ओके एज इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना आया ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए वाई अपॉन में एक्स इंटू एक्स माइनस वाई इंप्लाइज या कुछ नहीं कट रहा या ये कट रहा है इसका मतलब ए माइनस बी। अच्छा 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 देखो बेटा यहाँ ए प्लस बी है a प्लस बी हमने यहाँ माइनस कर दिया तो यहाँ प्लस आएगा a प्लस बी तो यहाँ भी a प्लस बी अब ये नीचे तक a प्लस बी क्या गलती होगी a प्लस बी उसके बाद यहाँ भी कितना आएगा a प्लस बी फिर a प्लस बी प्लस बी तो यहाँ कितना आ जाएगा प्लस और यहां भी कितना आ जाएगा प्लस। ओके अब यहां देखो बी वाई से बी वाई कैंसिल या ए एक्स से ए एक्स कैंसिल यहां कितना बचा डी वाई अपॉन डी एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी एक्स प्लस ए वाई अपॉन में वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यहां क्या बचा बी एक्स प्लस ए वाई
अपॉन में x इंटू एक्स माइनस वाई, ये दोनों ऊपर ऊपर क्या हो गए कैंसिल, और वज्र गुणा कर दो, यानी इस वैल्यू को इधर भेज दो, तो dy वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, इट मीन्स dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ये आपका लास्ट आंसर। ओके, यानी जो फलन दिया गया था उसका क्या ये आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ में दो का क्वेश्चन, क्या आपके पास y इज इक्वल टू लेट y इक्वल टू है e की पावर रूट एक्स और इसका क्या है पूरे का रूट। ओके, अब इसका हम अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन देखो कितनी बार होगा, इसका अवकलन, इसका अवकलन होगा तीन बार। कैसे देखो, मैं इसको ई और लिख देता हूं, इसको y इज इक्वल टू ई की पावर x की पावर 1 बाई टू और इस पूरी की पावर क्या है 1 बाई टू, क्योंकि रूट का मतलब कितना होता है एक बटा दो पावर, तो x के ऊपर रूट है तो e की पावर x की पावर 1 बाई टू और इसके ऊपर रूट है तो इसकी पावर 1 बाई टू। तो यहां पहले हम अवकलन किसका करेंगे, इस 1 बाई टू का, फिर किसका करेंगे इस 1 बाई टू का, फिर किसका करेंगे e की पावर x का अवकलन। ओके, तो इसका अवकलन हमारे पास कितना हुआ तीन बार, x की सापेक्ष अवकलन करने पर। तो पहले y का क्या कितना है बेटा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ e की पावर x का रूट और इसकी पावर कितनी है हाफ, फिर इंटू, देखो पहले हमने किया ऊपर वाले घात का अवकलन, फिर इसको छोड़ दो, फिर हम किसका करेंगे e की पावर रूट एक्स का अवकलन। ठीक है, तो d बाई डी एक्स e की पावर रूट एक्स, फिर इंटू d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का अवकलन। तो इस फलन का अवकलन तीन बार, पहले तो घात का, फिर e की पावर रूट एक्स का, फिर रूट एक्स का। अब देखो ये जो वैल्यू है ना, इस पूरी को क्या मान लो x मान, e की पावर रूट एक्स को क्या मान लो x, और x की पावर कितनी है एक बटा दो, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का अवकलन, मैंने आपको बताया था डायरेक्ट 1 बाई टू रूट एक्स, इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगता है x की पावर n वाला। ओके, तो सूत्र क्या है 1 बाई टू रूट एक्स, और x की वैल्यू कितनी मानी मैंने e की पावर रूट एक्स, समझ गए ना, एक बटा दो का अवकलन कर रहे हैं तो इस वैल्यू को हम एक्स मानेंगे, तो एक्स की पावर एक बटा दो, इसका सूत्र है ये मैंने यहां रखा, इंटू ई की पावर रूट एक्स का अवकलन कितना होता है ई की पावर, तो देखो ई की पावर में जो वैल्यू उसको क्या मान लो एक्स, तो ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का अवकलन कितना होता है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स और एक्स की वैल्यू कितनी है रूट एक्स, फिर इंटू रूट एक्स का अवकलन कितना होगा वापस 1 बाई टू रूट एक्स, जो ये लिख रखा फॉर्मूला। ओके, लिख दो इसको सॉल्व फॉर्म में, तो e की पावर रूट एक्स बाई टू टू फोर रूट एक्स इंटू e की पावर रूट एक्स का रूट, ये हमारे पास है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नौका, क्वेश्चन नंबर नौ में है फर्स्ट, वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ओके, अब यहां देखो हम इस फलन का अवकलन करेंगे,
तो इस फलन का अवकलन करने के लिए या तो इसका फलन डायरेक्ट करो, इसका अवकलन हम कैसे करेंगे, देखो y इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है तो ये अलग फलन है और ये अलग फलन है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, और साइन इनवर्स x का अवकलन आप जानते हो पहले से, ठीक है। तो इसका अवकलन हमने किया तो आपके पास देखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर फर्स्ट इंटू सेकेंड से करेंगे हम, तो देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड तो y सेम टू सेम d बाई डी एक्स ऑफ रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर सेम टू सेम डी बाई डी एक्स ऑफ y, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड पहला फलन इंटू दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले फलन का अवकलन इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, समझ गए। अब अवकलन कर दो बेटा इसका, y तो सेम टू सेम रहेगा, रूट पहले हम रूट का अवकलन करेंगे तो देखो वन माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लो x, यानी x का रूट, और x के रूट का अवकलन क्या है बेटा वन बाई टू रूट x है, जो x के अंदर देखो ये x है, यह देखो x की वैल्यू कितनी है वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो यह सूत्र में मान रख दो तो टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर फिर इन टू, अब वन माइनस एक्स स्क्वायर है क्या तो वन का क्या तो जीरो माइनस एक्स स्क्वायर है क्या तो टू एक्स प्लस, पहले तो करेंगे रूट का अवकलन रूट एक्स से, फिर करेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर का प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट सेम टू सेम, अवकलन उसी का होगा जो वैल्यू डी बाई डी एक्स के आगे होगी, पीछे की वैल्यू का अवकलन नहीं होता है। इंटू वाई का अवकलन कितना होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ओके। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, जीरो माइनस टू एक्स क्या होता है माइनस का टू एक्स, तो देखो जीरो माइनस टू एक्स होता है माइनस टू एक्स, टू से टू क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बच्चा हमारे पास माइनस का एक्स वाई अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस एक्स वाई, और यहां कितना आपके पास रूट प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ओके। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो हम एक तरफ रखते हैं, बाकी वैल्यू कहां डाल देते हैं हमें राइट साइड में डाल देते हैं, समझ गए। तो यहां देखो आपके पास वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट सेम टू सेम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस एक्स वाई अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, इस वैल्यू को मैंने इधर डाल दिया, इधर नेगेटिव इधर आएगी तो पॉजिटिव आ जाएगी, ओके। इम्प्लाइज वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना है वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ये इसका एलसीएम है, ओके। ये एलसीएम आने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या बची वन प्लस एक्स वाई, यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लो इज इक्वल टू वन प्लस एक्स वाई अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू, ये गुणा की संख्या इधर आएगी तो किस में जाएगी बाद में, दोनों वैल्यू सेम है मल्टीप्लाई होंगी तो रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा हमारे पास वन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। और ये वैल्यू हमारे पास किसकी है डी वाई अपॉन डी एक्स की, ओके। ये हमारा आंसर, लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट, y इक्वल टू है साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एंड सॉन और इसका रूट,
यानी साइन का रूट प्लस साइन का रूट प्लस साइन का रूट, यानी ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो देखो y बराबर क्या है, रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स। तो मैं एक साइन एक्स के आगे जो वैल्यू है उसको मैं क्या मान लू y, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू क्या हमारे पास, देखो रूट साइन एक्स रूट साइन इनफाइनाइट बार है। तो मैं एक साइन के आगे रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स किसके इक्वल होता है, वाई के इक्वल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई का अंडर रूट। ओके, दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग किया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, वर्ग करने पर वाई स्क्वायर इसका रूट कैंसिल। अब इसका हम क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष आवकलन, तो एक्स के सापेक्ष आवकलन करने पर ओके तो एक्स के सापेक्ष आवकलन किया तो वाई स्क्वायर का गुण कितनी बार होगा, दो बार। पहले तो स्क्वायर का गुलन, स्क्वायर का गुलन कितना आया, टू वाई, फिर वाई का गुलन डी वाई अपॉन डी एक्स, समझ गए ना। पहले तो वाई स्क्वायर का गुलन करेंगे टू वाई, जैसे एक्स स्क्वायर का गुलन टू एक्स होता है, ऐसे वाई स्क्वायर का टू वाई, फिर वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन का गुलन कितना होता है, कोस एक्स प्लस वाई का गुलन डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, डी वाई अपॉन डी एक्स को इधर लेकर आए तो टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हमारे पास, यहाँ कॉमन, अंदर कितना बचा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू कोस एक्स, और यहां से dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, कोस एक्स अपॉन में 2y माइनस 1, ये हमारे पास आ गई dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू। ओके, दस में जो दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने कल ही किया था आपके पास, एक क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन किया था, पांच में से दूसरा पार्ट, यानी पांच का क्वेश्चन में से दूसरा जो पार्ट है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर दस में से दूसरे पार्ट का सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पास। ओके, तो एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।